आकाशगंगा व्यवसायिक परिसर में नवरात्र पर माता दुर्गा की स्थापना की जाएगी। इसकी व्यापक तैयारियां की जा रही है। कलकत्ता से आए कारीगरों के द्वारा विशाल पंडाल का स्वरूप यहां पर तैयार किया जा रहा है। आगामी 15 तारीख से शारदीय नवरात्र पर्व पूरे देश प्रदेश व जिलों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। बता दें, हर साल की तर्ज पर इस साल भी शारदीय नवरात्र पर माता दुर्गा की स्थापना के साथ विभिन्न आयोजन आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा आकाशगंगा व्यवसायिक परिसर में किए जाएंगे। आकाशगंगा व्यवसायिक परिसर में समिति द्वारा विशाल पंडाल की रूपरेखा तैयार की जा रही है। कलकत्ता से आए कारीगरों के द्वारा पंडाल का भव्य रूप थीम अयोध्या की राम मंदिर पर किया जा रहा है। पूरे 10 दिनों तक यहां माता रानी की पूजा अर्चना के साथ भोग भंडारे का आयोजन आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के द्वारा किया जाएगा। ये जानकारी हमें आयोजकों ने दी है। आकाशगंगा दुर्गोत्सव समिति के इस बार तत्वाधान में यहाँ राम अयोध्या का जो राम मंदिर है उसके थीम में हम लोग पंडाल बना रहे हैं, और दुर्ग भिलाई का तीसरा बड़ा पंडाल और सुपेला थाना क्षेत्र का सबसे बड़ा और भव्य पंडाल हम लोग यहाँ पूरे शहरवासियों के लिए हम लोग बनवा रहे हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन है पूरे शहरवासियों से कि एक बार अवश्य आकाशगंगा आएँ। इस बार अयोध्या जो राम मंदिर जो मोदी जी जिसका उद्घाटन जनवरी में करने वाले हैं, उसी थीम पर हम लोग ने इस बार अयोध्या का राम मंदिर थीम पर पंडाल बना रहे हैं। इस बार दुर्गा उत्सव प्रसंग पर नवरात्रि में इस वर्ष हम लोगों ने यहाँ पर भव्य तरीके से इस पंडाल का एक निर्माण करके एक अच्छा एक झांकी प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। जैसे अभी पीयूष भैया ने बताया कि हम लोग अयोध्या के जो राम मंदिर बन रहा है उस परिप्रेक्ष्य में एक हम लोग पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। भंडारे वगैरह रहेंगे, युवा का पूजन होगा और भी आए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह और विभिन्न जो भी आयाम पूजाएं होती है यहाँ पे वो सारे कार्य संपन्न होंगे। बड़ी मात्रा में हमें उम्मीद है कि दर्शक वर्ग भी यहाँ पर पहुंचकर इसका आनंद उठाएंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पूरे आकाशगंगा पे बना रहे, और सभी शहरवासियों से विशेष अनुरोध है कि यहाँ आके एक बार अयोध्या पंडाल का दर्शन अवश्य करें, और जो भंडारा हमने विशेष रूप से इस बार थोड़ा डिफरेंट रखा है उसमें भी आके माँ दुर्गा का आशीर्वाद और प्रसाद जरूर लें। आपसी भाईचारे व मेलजोल से व्यवसायिक परिसर में भव्यता के साथ हर साल नवरात्र पर्व मनाया जाता है। इस साल भी हजारों श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।